नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पे सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजारों के अंदर $1762 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और बात करें सिल्वर की तो सिल्वर $22 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को जो सोना चांदी का बाजार है आज वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल डॉलर में तेजी और दूसरा फेड की जो बैठक होने वाली है अब इसी हफ्ते के दौरान, उस पर निवेशकों की नज़रें हैं और निवेशकों को ऐसा लग रहा है कि जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस कर सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में जो निवेश है वो थोड़ा घटता हुआ नज़र आया है और डॉलर तेज़ होता हुआ नज़र आया है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें अभी एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जो कि अभी कुछ दिन और जारी रह सकता है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि WTI $70 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $74 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों में लगभग 1-1% की तेजी बनती हुई नज़र आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बेस मेटल्स का जो बाज़ार है वो आज एक हरे निशान पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। खबरें ये निकल के सामने आ रही हैं कि अमेरिका के अंदर जो तूफान देखा गया था IDA, अब उसमें जो जिस उसकी तूफान की वजह से जो सर्विसेज थी, जो उत्पादन था कच्चे तेल का, जो इम्पैक्ट हुआ था, फैक्ट्रीज़ प्रभावित हुई थी, उत्पादन बंद करना पड़ा था, बंद करनी पड़ी थी फैक्ट्रीज़, अब वो फिर से अपनी गतिविधियों में फिर से शुरू हो गई हैं, फिर से जो सप्लाई थी वो बहाल हुई है, रिज्यूम हुई है सर्विसेज, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हमने बीते सत्र में एक नरमी आते हुए देखी थी और अब देख रहे हैं कि आज एक हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ से खरीदारी भी देखने को मिल रही है। बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि MCX जिंक निकल और लेड आज ठीक ठाक लेवल्स पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिंक के अंदर हल्की सी करेक्शन है, निकल और लेड हरे निशान पर हैं। बात करें कॉपर की तो कॉपर $4.13 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि कॉपर का जो प्राइस है पहले के मुकाबले अब वो कुछ नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है, हालांकि अभी भी हरे निशान पर है लेकिन जो लेवल था वो पहले के मुकाबले इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर का वो कहीं ना कहीं घटता हुआ नज़र आया है। दरअसल चाइना की तरफ से जो डिमांड थी वो थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉपर का जो प्राइस है वो थोड़ा नीचा देखने को मिल रहा है। बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ रूपा मेहता जी, जो हमको बताएंगी कि आज नॉन एग्री कम्युनिटीज़ का बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है। इतने बात कर लेते हैं यहाँ से सोने चांदी में कि आज घरेलू वायदा बाज़ार में सोने चांदी कैसा देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे आज गोल्ड MCX गोल्ड 46,202 पर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है और MCX सिल्वर 59,605 पर कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी सोने चांदी की कीमतों में एक लाल निशान देखा जा रहा है। तो आज किस नॉन एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ग्राम सिल्वर जी। रूपा जी बात करें आज गोल्ड और सिल्वर की तो देख रहे हैं कि गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पहले के मुकाबले अब कहीं ना कहीं और ज्यादा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या आज गोल्ड इंट्राडे में $1750 के भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए सोने और चांदी के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है जिसकी वजह से सोने की चमक फीकी पड़ती दिखाई दिया और सोना जो है अपने 5 हफ्ते के निचले स्तरों से लुढ़क चुका है। अब यहां से उम्मीद की जा रही है कि 46,000 के नीचे सोना लुढ़क सकता है क्योंकि FOMC की बैठक से पहले हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और डॉलर इंडेक्स जो है वो 93 के पार जा चुका है और दूसरा अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ी है जिससे सोने में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से सोने के अंदर अभी फिलहाल प्रेशर है, लेकिन आपको बता दें कि इसी हफ्ते सेंट्रल बैंकों की पॉलिसी पर भी बाजार की नजर रहेगी। 22 सितंबर को US फेड की पॉलिसी आएगी और बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान पर भी बाजारों की नजर रहेगी।
और इसके बाद ही कुछ रुख जो है वो तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सोने और चांदी के ऊपर शॉर्ट टर्म में दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का दिन जो है वो काफी अहम रह सकता है, काफी अच्छे ट्रिगर्स जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से निकल कर आने हैं, उसके बाद ही सोने की चाल जो है वो डिसाइड होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए आज बाजार जो है वो 46,000 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटेजी अपनाकर चलना सही रहेगा? देख रहे हैं कि जो अमेरिका में जो तूफान की वजह से जो सर्विसेज इंपैक्ट हुई थी, जो आउटपुट इंपैक्ट हुआ था, अब वो फिर से रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी जो कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों से फिसला है, ब्रेंट $75 के नीचे आया है। दरअसल तूफान की एक एक्सपेक्टेशंस है जिसकी वजह से तूफान आया है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है वो प्रभावित होने की उम्मीद की जा रही है। उधर यूएस गल्फ में भी सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो काफी फैक्टर्स है जिसकी वजह से मिला जुला रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और चीन में भी डिमांड जो है वो कम हुई है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट आया है। और दूसरा अमेरिका में शेल आउटपुट को लेकर चिंता बनती हुई दिखाई दी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चा तेल भी जो है एक दायरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से हो सकता है कि कच्चे तेल के अंदर दबाव बनता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में $70 के आसपास WTI कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो नीचे में $68 और ऊपर में $72 की फिलहाल रेंज देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, आज बेस मेटल्स में कैसा बाजार देखने को मिल पाएगा? देखिए बेस मेटल्स के ऊपर अखिलेश दबाव बना है, कॉपर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर भी अपने 3 हफ्तों के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है और आगे FOMC की बैठक भी है उसके ऊपर नजर है। दरअसल डॉलर मजबूत होने से कॉपर में दबाव बना है और अब कॉपर में आगे भी दबाव हो सकता है कि देखने को मिले। और दूसरी फेड की तरफ से बॉन्ड खरीद प्रोग्राम में भी कटौती की जाने की उम्मीद की जा रही है, चाइना की तरफ से भी रिजर्व रिलीज करने की उम्मीद है, चिली में भी मजदूरों की जो है स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए अभी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी है जिसका वहां से सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब होने की खबरें निकल कर आ रही हैं, जो बेस मेटल के ऊपर दबाव बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल के लिए लग रहा है कि कॉपर लुढ़क सकता है यहां से, अभी कॉपर में एक बार बाइंग एग्जिट ले लेना चाहिए। और कॉपर लगता है कि अगर 700 के नीचे लुढ़कता है तो नीचे में 680 तक आ सकता है। तो फिलहाल बेस मेटल्स में गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है और ये गिरावट अभी फिलहाल मुझे लगता है कि बढ़ सकती है, निकल के अंदर भी गिरावट जो है आगे आ सकती है, 1500 से नीचे लुढ़क चुका है। तो काफी बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा बेस मेटल के ऊपर अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन में एक रियल स्टेट कंपनी है जिसके डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो फिर बेस मेटल के ऊपर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा और स्ट्रॉन्ग डॉलर भी इसके ऊपर दोहरी मार मारता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल के लिए बेस मेटल्स को अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना चाहिए बेस मेटल्स में बाइंग करने के लिए। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी नॉन एग्री कमोडिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए एक बार कॉपर डिप पे जा सकता है, तो 697 के टारगेट के लिए आज इंट्राडे में कॉपर में सेलिंग करके चल सकते हैं। वहीं सोने के अंदर भी बिकवाली की जा सकती है, नीचे में 46,000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, नमस्कार।